हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपने पेनीयर वॉलेट में पेटीएम से मनी अर्न करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। आप ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब बटन ऑन कीजिए और इसका बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने पेनीयर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा वॉलेट बैलेंस पेनीयर बाई में 7 रुपये है। चलिए आप अपना पेटीएम से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अपना पेटीएम पे आ गए हम। दोस्तों, पेटीएम पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हो रहा है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, तो यूपीआई मनी ट्रांसफ़र पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हो रहा है और इंटर बैंक अकाउंट यूपीआई, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इंटर बैंक अकाउंट देता है, आपको पता नहीं कि पेनीयर बैंक का अकाउंट नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नियर बाय, NEAR नियर बाय, और आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पेनीयर बाय में वो डालना पड़ेगा। आईएफएससी कोड क्या होता है, चलिए मैं आपको उसका आईएफएससी कोड भी दिखा देता हूँ। उसका आईएफएससी कोड क्या होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यही तो होता है इसका आईएफएससी कोड। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके डाल देता हूँ। देखिए ये येस बैंक, देखिए हो गया, येस बैंक बता रहा है। चलिए मैं इसका इंटर नेम कर देते हैं, सी चंदन मोनो डाल देते हैं, NEAR BY। तो दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो ये मैं यहाँ से नहीं करके बल्कि मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं मेरा पहले से रजिस्टर्ड है दो अकाउंट। चलिए मैं एक कर देता हूँ, आप भी कर सकते हैं वहाँ से। तो हम 1 रुपये डाल कर देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, अपना जो पासपोर्ट है वो डाल देते हैं UPI का। देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया। चलते हैं हम अपना PNRY में, यहाँ पर बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, इसको एक बार लॉग आउट कर देते हैं, टाइम लगता है मनी आर्डर होने में। आ गया 7 रुपये, तभी 8 रुपये हो गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।